अरे रतन उठ, जाग रे, हमला कलकत्ता आ गया। अरे सुनता है, कलकत्ता पहुंच गया है, उठना। कितनी बार कहा है कलकत्ता आने से उठा देना उठा देना, मगर देखो अभी भी सोया हुआ है। फिर नहीं उठाने से रोला धोला शुरू कर देगा। अरे उठ के देख, कलकत्ता आ गया। शहरों का शहर कलकत्ता, नगरों का नगर महानगर। कितने आदमी खाली झोला लेकर आए या लखपति बन गए, और कितने लखपति कलकत्ता आकर फकीर बन गए। आजब नगरी ये कलकत्ता। अरे वो अपने गांव के धनपति बाबू का लड़का कई साल पहले कलकत्ता आया, मगर अभी तक लौटा नहीं, हो गया। और अब देखो ना, बुढ़ऊ के पास कितना रुपया पैसा, खेती बाड़ी, कौन खाएगा। ये सब जहाज समझे रतन, घिस घिस कर तैरते हुए जाते हैं। कितनी दूर, फ्लाइट अमेरिका, चीन, जापान, महीना पर महीना, साल पर साल, लगातार चलते रहते हैं। हाँ समझ ले कि ये लोग का अपना नहाना धोना खाना पीना सब इसी जहाज में। और कितने लोग, लगता है जहाज खुद ही एक शहर हो। हाँ जैसे मानो ये पूरा शहर तैरते तैरते जा रहा हो। हमारे बाबू कहा करते थे कि कलकत्ता में सब कोई कुछ न कुछ खोजने के लिए आते हैं, कोई रुपया पैसा, कोई मान सम्मान, कोई मौज मस्ती। अरे सबको क्या सब कुछ मिलता है, कलकत्ते के रास्ते में सब कुछ खो जाते हैं। ये कलकत्ता उनका सारा निशान मिटा देता है। मेरा तो इधर सब कुछ खो गया है। चुनी हुई रेहू और मृगल मछली के अंडे है, एक भी कतला मछली का चारा मिले तो वापस। अरे भाई ठीक से हिलाते जाओ, नहीं तो सारी मछलियां मर जाएगी। जो तुम अपनी हड़िया लाओ। अरे तुझे और दूसरी हड़िया नहीं मिली क्या, सीधे रसोई वाली हड़िया उठा के ले आए। फिर जब सारी मछलियां मर जाएगी तो दोष मेरा होगा। हाँ। ए साधन, एक बाड़ी से ज्यादा मत देना, इस हड़िया में दो बाड़ी देने से बचेगी नहीं। अरे तू कहाँ जा रहा है? अच्छा जा, जरा घूम जा, घाट के आसपास ही लेना, बुलाने से फटा जाना। अरे जल्दी करो जल्दी करो, आओ आओ। हाँ अरे लाओ ना, आओ यार, हिलाते जाओ हिलाते जाओ, तो मछली मर जाएगी।
हाँ आओ, जल्दी करो, जल्दी करो, आजा। अच्छा, ऐसा करके दौड़ के रास्ता पार होता है, हैं? मोड़ दीजिए। क्या तुम अकेला आए हो, हैं? साथ में कोई नहीं है? कहाँ जाओगे? बहू बाजार। अरे बाबा, बहू बाजार तो मस्त दौड़ जाएगा। बहू बाजार में कहाँ, कौन रास्ता? बहू बाजार। लगता है घर से भाग कर आए हो। नहीं बाबू, नाव में है। तो बुझ ला, तो बहू बाजार में किसके पास जाओगे? दीदी के पास। अच्छा सुनो, यही रास्ता पकड़ के सीधे चले जाओ, हाँ? एक चाट मिलेगा, बहुत पुराना गिरजाघर। गिरजाघर किसको कहते हैं मालूम है? अरे वो एक बड़ो मंदिर मतन होता है, उसका बाया तरफ घूम जाना। तो ठिकाना जाना नहीं, रास्ता नाम जानी ना, दीदी को कोई नहीं आया है। ए बच्चा सुनो, अगर अगर रास्ते में कोई बोले तो चलो तुम्हारे दीदी के पास पहुंचे देवो, खबरदार मत जाना, एकदम हवा कर देवे, समझा? बिल्कुल गोल कर देगा, जाओ। बाबा, ये नाम कोलकाता शहर। मैंने तो खाली तेरे मुंह से सुना है। ए बुद्धू राम, तू इतना सा था जब माँ मरी थी। मुझे कुछ याद नहीं। अच्छा तू हर वक्त चिपके क्यों रहता है? हट। नहीं। दीदी नींद आ रही है, खाना कब पकेगा? बस झोल अभी हो जाएगा, देख तो कैसे उबल रहा है। गरम गरम भात, टेंगड़ा मछली का झोल, खा पी कर आराम से सो जाना। भात हो जाए तो मुझे भी दे देना, आज बहुत दौड़ना पड़ा है। कहाँ गए थे बाबू? तेरी दीदी का इंतजाम करने। इंतजाम तो हो गया, अच्छा लड़का मिला है। बाबू लोग से एक पोखरी इजारा लिया है, बहुत बड़ी पोखरी, मछली पालता है। माँ बाप नहीं है, भैया और भाभी अलग रहते हैं, कोई झंझट नहीं। फिर तेरे चले जाने से हमें बहुत तकलीफ होगी, यह घर संभालेगा कौन? इतने दिन तक तो तू संभालती रही,
मेरे दिन तो किसी तरह से कट जाएंगे, पर रतन का बहुत तकलीफ होगी। फिर इसके लिए तो शादी नहीं रोक सकती मां, दिन ब दिन उम्र बढ़ती जा रही है। शादी होने के बाद तू चली जाएगी दीदी? धत बुद्धू, तुझे छोड़कर भला मैं रह सकती हूँ? मेरा तो एक ही भाई है, तुझे छोड़कर तो मैं कहीं जाऊंगी ही नहीं। खाना कब होगा? मुझे जोर से नींद आ रही है। बस हो गया। अबे बुद्धू, कलकत्ते शहर में सभी लोग फुटपाथ पे चलते हैं, रास्ते में नहीं। रास्ते बने हैं बस, कार, टेम्पो के लिए, और फुटपाथ बने हैं पैदल चलने वालों के लिए। गांव से आया क्या? हाँ, मेरा घर है गुसावा। पहले दफे कलकत्ते आया? हाँ, आज ही सुबह आया हूँ। बाबू नाव में बैठे हैं। और तू निकल के भाग आया? नहीं, मैं भाग के नहीं आया, दीदी के पास जा रहा हूँ। तेरी दीदी कलकत्ते में रहती है? हाँ। कहाँ? बहू बाजार। अबे बहू बाजार में कहाँ? वो मुझे मालूम। तो फिर जाएगा कैसे? ऐसे ही सबसे पूछताछ करते चले जाएंगे। तेरी दीदी हेमा मालिनी या रेखा है, जो नाम लेते ही पता बता देगा। तुम कहाँ रहते? क्यों, मैं यही रहता हूँ फुटपाथ पे। मेरा डेरा देखेगा, सामने ही है। चला। तुम्हारे बाबू, दीदी सब क्या तुम्हारे साथ रहते हैं? नहीं, मैं अकेला ही रहता हूँ। फिर वो लोग कहाँ रहते हैं? पता नहीं। चला। ये देख मेरा डेरा, ये है बिस्तरा, रात में यहीं सो जाता हूँ। डर नहीं लगता? अरे डर काहे को, कितने सारे आदमी जो यहाँ सोते हैं। अब चल, मैं मेरे काम की जगह दिखाता हूँ। और सुन, बहू बाजार यहाँ से बहुत दूर है, आगे जाके ट्राम रास्ता मिलेगा। कौन रास्ता? ट्राम रास्ता, जिस रास्ते के ऊपर ट्राम गाड़ी चलती है। कभी देखी नहीं है ट्राम गाड़ी? नहीं। ट्रेन की तरह होती है, मगर समझ ले छोटी, दो डिब्बों की ट्रेन गाड़ी, बिजली से चलती है। अबे इतनी देर क्यों की है? अकेला मैं कहाँ गाँव संभालू? जी अभी फटाफट हाथ चलाता हूँ, नींद टूटने में देर हो गई थी ना थोड़ी। कल नाइट शो सिनेमा देखने चले गया। कौन सा सिनेमा? अबे मुकद्दर का सिकंदर, क्या फिल्म थी जी, जैसा गाना वैसा ही डिशुम डिशुम। तू बहुत सिनेमा देखता है बेटा, पैसा जो हमसे कमाता है उसे जमा के रख बेटा। पैसा है तो सब कुछ है, नहीं तो इस दुनिया में कुछ नहीं। मैं थोड़ी ही पैसा खर्चा करके सिनेमा देखता हूँ जी, रात में इंटरवल में बादाम जो बेचता हूँ, वही सिनेमा वाले बाबू जो टिकट बेचते हैं काम में लगा दिया। तू बहुत चालाक है बेटा। काम करेगा बोल। अरे गांव में क्या रखा है, कलकत्ते में गाना बजाना सिनेमा, जो दिल चाहे करता जा, कोई पूछने वाला ही नहीं। बोल, करेगा तो लगा दूं अभी से। नहीं, मैं दीदी के पास जाना चाहता हूँ। रतन कहाँ है? नहीं तो था बेटी। रतन, अरे ओ रतन, अभी तो यही था। अच्छा मैं देख के आता हूँ। रतन, अरे आए रतन, दीदी अब चली जा रही है। अरे रतन रतन, अरे
खाना खा लिया बेटा? मुझे भूख नहीं लगी है बाबू। ये क्या बात है, जब से चपला ससुराल गई है तब से तू उदास रहता है, खाता भी नहीं पढ़ता भी नहीं, ये ठीक नहीं है बेटा। सभी लड़कियों को एक दिन ससुराल जाना पड़ता है, जब तेरी शादी होगी तेरी बहू भी अपना घर छोड़कर हमारे घर आके रहेगी, हमारी देखभाल करेगी, हमारी सेवा करेगी। क्या बाबू, दीदी हमारे घर कभी नहीं आएगी? क्यों नहीं है बेटा, जरूर आएगी, एक महीना बाद ही आएगी। तू भी कभी कभी उसका पास जाके मिल सकता है, ये बगल वाले गांव में ही तो रहती है। तो मैं आज ही जाऊं बाबू। अच्छा अच्छा जा, अभी तो खाना खा ले। हाँ बहुत जोर भूख लगी। अरे जोर से फेंकना, ये कौन आ रहा है? ये तो हमारे गांव का नहीं है। आने दे मजा चखाता हूँ। ओए तेरा घर कौन गांव? भुसावा। किधर जाना? इसी गांव में, कुसुमपुर है ना? हाँ। ये तेरे बैग में कहा? अमरूद ला। नहीं ये दीदी के लिए है। ला नहीं तो अरे साला बाबू क्या बात है? देखो ना, मैं दीदी के लिए अमरूद ले जा रहा था और ये लोग मेरे से छीनना चाहते थे। क्यों रे, झापर खाने का इरादा है क्या? ला दे। मेरा साला बाबू अपने दीदी के लिए अमरूद लाया और तू बंदर लोग खा जाएगा? चपला, ओ चपला, अरे देखो कौन आया है। झूठे कहीं के, अभी भला इधर कौन आ सकता है। अरे बाहर भी तो आओ, आके देखो। तुम्हारी सब बदमाशी मुझे मालूम है, मैं रसोई घर से निकलूं और तुम मुझे जो अपना काम करो और मुझे मेरा काम करने दो। सुन तू एक काम कर, तू चुपचाप सीधे रसोई घर में चला जा। रतन, विश्वास नहीं होता है, मैं क्या देखती हूँ? मेरा भाई किसके साथ आया है? अकेले। इतनी दूर अकेले चला आया? दूर कहाँ, 4 मील का तो रास्ता है। दीदी क्या बात है, मैं तेरे पास रहूंगा। हाँ क्यों नहीं। मेरा अकेले घर में दिल नहीं लगता, अच्छा नहीं लगता। अच्छा वो बाद में बात करेंगे, पहले तू ये बता कुछ खा के आया कि नहीं? हाँ सुबह बाबू ने खिला के भेजा था, और ये देख तेरे लिए अमरूद लाया। अरे अपने बगीचे के हैं? हाँ। अरे साला बाबू, अमरूद सिर्फ दीदी के लिए, मेरे लिए नहीं।
नदी से आकाश से लहरों से हवा से कितनी जो बातें होती हम तो नहीं जानते। आम से जामुन से बकुल से मुकुल से कितनी जो बातें होती हम तो नहीं जानते। बाबू कैसे हैं रे? परसों बुखार हो गया था। अच्छा, बहुत बुखार था? बहुत तेज। फिर कल से थोड़ा कम है। कल तो मछली भी मारने गए थे। फिर मिली मछली? नहीं, बाबू कहते थे कि आजकल ना जाने क्या हो गया है कि नदी में भी मछली नहीं मिलती। अगर ऐसा ही चलता रहा तो भूखों मरना पड़ेगा। बहुत खाया दीदी, तूने इतना खिला दिया कि बस। चला, तू यहाँ सो जा। इधर? तू किधर सोएगी? एकदम बुद्धू है। मैं तेरे पास ही सोऊंगा। नहीं रे, मैं उधर सोऊंगी, तेरे भैया के पास। क्यों? क्योंकि मैंने तुम्हारे दीदी से शादी किया साला बाबू। जब तुम शादी करोगे तुम भी अपनी बीबी के पास सोओगे। चल अब तो सो जा, डरेगा तो नहीं ना। किसी चीज की जरूरत होगी तो मुझे बुला लेना। ला मैं पूछ तो। अरे अरे देख तो कितना पानी है बाल में, बुखार आ जाएगा। जा कपड़ा बदली करके आ। दीदी मैं तेरे पास रहूंगा। फिर बाबू को देखेगा कौन, पढ़ेगा लिखेगा कौन, स्कूल जाएगा कौन? अरे रतन को यहीं पर रहने दो ना, वो रहने से तुम भी तो खुश रहोगी। अरे रतन क्या हुआ, चावल नहीं मिला? हाँ मिल गए, ये लो। अच्छा जा उस कमरे से थोड़ी तरकारी लिया, 6 आलू, 2 प्याज, 2 बैंगन। रोज रोज तो अकेले ही करती हूँ, अब तू मिल गया है तो तुझे परेशान कर रही हूँ। परेशान किस बात का, मुझे तो अच्छा ही लग रहा है। ला दीदी एक खेल देखेगी? क्या? अरे ये सब तूने कहाँ सीखा? एक साधु बाबा नदी किनारे बैठ बैठ के करते थे, मैंने देख देख के सीख लिया। और ये देख दूसरा। अरे अरे ये क्या कर रहा है, छोड़, नन्हे बदन पे चोट आ जाएगी। चोट क्यों लगेगी, साधु बाबा कहते थे शरीर की तंदुरुस्ती के लिए रोज सुबह ये आसन करना चाहिए। अच्छा चपला, ओ चपला। अरे बाबू आ गए, मुझे वापस लेने के लिए आए। मैं नहीं जाऊंगा, मैं तेरे पास रहूंगा। अच्छा बाबा, पहले बाबू से चलकर थोड़ा मिल तो ले, फिर 3-4 रोज के लिए तेरे यहाँ ठहरने का बंदोबस्त हो ही जाएगा। ए बच्चा कहाँ जा रहे हो? दीदी के पास। अच्छा अकेला ही हो या साथ में कोई है? बाबू नाव में बैठे हैं। तुम्हारी दीदी कहाँ रहती है?
बहू बाजार। बहू बाजार? अरे ये रास्ता तो बहू बाजार नहीं जाएगा। हाँ बहू बाजार जाने के लिए दूसरा रास्ता पकड़ना पड़ेगा। चलो मेरे साथ, मैं तुम्हें तुम्हारे दीदी के पास ले जाऊंगा। नहीं मत, हम उन बदमाशों को जरूर पकड़ लेंगे। अब पकड़ने से क्या होगा, दरोगा बाबू? हमारा जो नुकसान हुआ वो तो कभी वापस नहीं आएगा। ऐसा क्यों बोलते हो? तुम्हारी लड़की जरूर वापस मिलेगी। हम लोग उसकी तलाश में पूरी फोर्स लगवा देंगे। मगर उसकी इज्जत कौन वापस करेगा दरोगा बाबू? इज्जत? हमने तो कभी किसी का बुरा नहीं चाहा। हमारा जमाद अपनी मेहनत की कमाई खाता है, कभी भी कोई बुरा काम नहीं किया है। फिर हमारी किस्मत में ये बेइज्जती कहां से? साधन भैया, दीदी को क्या हुआ? मुझे मालूम नहीं। तुमसे कहा था ना, हम तुम्हारी लड़की का पता लगा लेंगे। पता मिल गया है, वो कलकत्ते के एक थाने में है। उसे अस्पताल भेजा गया था, वहीं पर पता चला कि उसके साथ बलात्कार किया गया है। अब मुजरिम बच नहीं सकता, अगर पकड़ा गया तो। अब चलो, लड़की को वापस लाना है ना, मगर देखो कभी कभी थाने में जाना पड़ेगा। वैसे 3-4 बदमाशों को हिरासत में ले लिया गया है, जिनके ऊपर पहले से ही बलात्कार का। अरे ये तो हमारे मुकुंद दास का लड़का है ना? हाँ, बहुत दुखी है बेचारा। बचपन में ही माँ चल बसी, दीदी ने उसे पाला पोसा, फिर दीदी का भी यही हाल। मगर उसकी दीदी तो बहुत सुख से दिन बिता रही है। अच्छा, मैंने तो कुछ सुना नहीं। हाँ, बहुत सुख से दिन बिता रही है। कहाँ? कलकत्ते में, बहू बाजार। बाबू, दीदी कहाँ है? मुझे मालूम नहीं। मुझे मालूम है, दीदी कलकत्ते के बहू बाजार में रहती है। चलो ना बाबू, दीदी को ले आए। खबरदार, खबरदार उसका नाम मुंह में लाया तो। मर गई वो मेरे लिए। नहीं बाबू, दीदी मरी नहीं, वो जिंदा है, वो कलकत्ते में है। ले आओ ना बाबू दीदी को। अब तेरी दीदी इधर कभी नहीं आ सकती। पर क्यों?
ये बात तू अभी नहीं समझेगा, जब बड़ा होगा तब समझेगा। भैया भैया, दीदी की खबर मिल गई, वो कलकत्ते में रहती है। तो मैं क्या करूँ? जाओ ना, जाके दीदी को ले आओ ना। नहीं, बाबू ने भी यही कहा, तुम भी यही कहते हो, मगर क्यों? दीदी ने ऐसा क्या किया जो तुम लोग उस पर इतना गुस्सा करते हो? बताओ ना भैया, बोलो ना। ये बात अभी नहीं समझोगे भैया, जब बड़े होगे तब समझोगे। तू कहाँ गया था रे? सुबह से खोजते खोजते थक गया हूँ, सारे गांव ढूंढता फिरा, थोड़ा सा मेरा भी ख्याल रख, ये बुढ़ापे में अब कितना सहना पड़ेगा। सुन, नाव लेके कल कलकत्ता जाना है, चार पांच दिन में लौट आऊंगा, सोचता हूँ तुझे तेरा फूफी के पास छोड़ के आ जाऊं। नहीं, मैं उधर नहीं रहूंगा। बहुत सताता है तू, मछली के अंडे बेचने का समय आ गया है, इन दो तीन महीनों में जो कमाएंगे उससे पूरा साल चल जाएगा। मुझे भी साथ ले चलो ना बाबू। नाव में चार पांच दिन रहना है, सर्दी में बुखार आ सकता। कुछ नहीं होगा, मैं तुम्हारे साथ रहूंगा, मैंने कलकत्ता कभी नहीं देखा, मुझे ही साथ ले चलो ना बाबू। अच्छा चल, मुझे भी तेरे बिना अच्छा नहीं लगता। इस विशाल महानगरी में अपनी दीदी को ढूंढ निकालना एक बच्चे के लिए सिर्फ मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है। लेकिन हमारी कहानी ये नहीं है, हमारी कहानी है अगर रतन अपनी दीदी से मिलता भी तो क्या करता। दीदी, सुनो, किसे ढूंढ रहे हो तुम? अपनी दीदी को। अपनी दीदी का घर नहीं जानते क्या? नहीं। क्या नाम है तुम्हारी दीदी का? चपला। चपला? मैं एक चपला को जानती हूँ, वो मेरी सहेली है, चलो तो देखी वो तुम्हारी दीदी है या नहीं। अरे चपला देख, तुझसे मिलने कौन आया है इस वक्त? दीदी, कोई टाइम है मिलने का? दूसरा कोई जगह नहीं मिला मरने को जो इधर चला आया सुबह सुबह? दिल में भी चैन नहीं सर। लेके ढूंढ रहा था, मैंने सोचा तेरा भाई होगा तो ले आई। तेरा भाई नहीं है क्या? रतन, मेरा भाई किसके साथ आया? अकेले आया हूँ दीदी, बाबू नाव में बैठे हैं और तुझसे मिलने के लिए मैं भाग के चला आया। चल अंदर चल मीना। बाबू कहाँ है रे? नाव में। जैसे ही नाव कलकत्ता पहुंची मैं झट से भाग के चला आया। बैठ, इतना लंबा रास्ता तू आया कैसे? पैदल चले आया। कुछ खाया? नहीं, बहुत जोर से भूख लगी है। तू बैठ, मैं तेरे लिए कुछ लाती हूँ।
चीजें? हाँ, क्यों? इतनी सारी चीजें कैसे ले जाऊंगा? ठीक है, बैलगाड़ी पे लाद के ले जाऊंगा। कहाँ ले जाएगा? गांव में। मैं तो तुझे ले जाने के लिए आया हूँ। मुझे ले जाएगा? हाँ, देखना बाबू से कितना कहा मगर बाबू ने सुना ही नहीं। गुस्सा किया, मुझे मारा भी, कहने लगे मैं उसका मुंह भी नहीं देखना चाहता। फिर भैया के पास गया, बोला जाओ ना भैया, जाके दीदी को ले आओ ना, मगर उन्होंने भी इनकार कर दिया। क्यों दीदी, ये सब लोग तुझसे नाराज क्यों हैं? देख, आज मैं तेरे लिए अच्छा सा खाना बनाऊंगी, बोल क्या खाएगा? भात, मांस और चटनी। अच्छा, तो ये सारी मिठाई खत्म करके रसोई घर में आ जा, फिर बैठ के बहुत सी बातें करेंगे। तू चलेगी ना मेरे साथ दीदी? बाद में बात करते हैं। बाद में नहीं, आज ही जाना होगा, कल सुबह बाबू नाव लेकर वापस जाएंगे। आगे जाके आगे कोई बड़ा रास्ता है? मेरी मोटरसाइकिल खराब हो गई है। आगे जाके बड़ा रास्ता मिलेगा। इधर कोई मिस्त्री उस्त्री मिलेगा? इतनी सुंदर चांदनी रात है, इसको बोलते हैं कागा चांदनी। चांदनी रात को भोर समझकर कौवे बोलने लगते हैं। चलो आज नाव में जाके सोते हैं। नहीं, मुझे डर लगता है। अरे डर किस लिए? पता नहीं क्यों आज सुबह से ही डर लग रहा है। जब से वो मोटरसाइकिल वाले बाबू लोगों को देखा है, कैसे आंख फाड़ फाड़ के देख रहे थे, बेशर्म बेहुदा लोग। ये लोग समझते हैं हम गरीबों की कोई इज्जत ही नहीं होती। अरे तुम तो खम का डर रही हो, जानते हो इस गांव में एक नई फैक्ट्री खोलने वाले हैं। अब ना जाने कितने बाबू लोग शहर से आएंगे जाएंगे, सबको ऐसे खराब नहीं होते हैं। चलो नाव में जाके सोते। नहीं, घर चलो, नाव में सोना है तो घर किससे बना है? अरे बाबा, घर के अंदर कितनी गर्मी है, इधर देखो ना ठंडी ठंडी हवा। घर चलो।
कितने किस्म का खाना बनाया है दीदी, मैंने तो ऐसा खाना कभी नहीं खाया। तुझे अच्छा लगा? बहुत अच्छा। हम लोग कब जाएंगे दीदी? पहले खाना खा के थोड़ा सोएंगे, जाने की बात बाद में सोचेंगे। घर में अकेले एकदम दिल नहीं लगता। तू पढ़ता क्यों नहीं रतन? पढ़ना बहुत जरूरी है। पढ़ाई लिखाई सिर्फ अपने लिए नहीं, दूसरों को जानने के लिए, पहचानने के लिए बहुत जरूरी है रे। कुछ भेजे में घुसी भी मेरी बात? नहीं। कब बड़ा होगा तू, कब तक छोटा रहेगा? चल बहुत हुआ, आ अब थोड़ी देर आके सो जा। इधर बाजा कौन बजाता है, तू? हाँ, सीखने की कोशिश करती हूँ। आह, कितना नरम बिस्तरा, इतने नरम बिस्तरे पर तो कभी नहीं सोया। अच्छा रतन, एक बात बता, तेरे भैया मुझसे बहुत नाराज है ना? बहुत, ना जाने क्यों, हमने पूछा भी, दीदी पर इतना गुस्सा क्यों करते हो? तो कहने लगे, जब तू बड़ा होगा तब समझेगा। बाबू भी ऐसा ही बोल रहे थे। अरे देखो देखो, उस नाव में कोई माझी नहीं दिखाई देता, क्या बात है? अरे भाई जरा पास में नाव ले चलो तो। हे भगवान, तुम लोग देखते क्या हो, जल्दी से इसे अपनी नाव में उठा लो, नहीं तो बेचारी मर जाएगी। हैजा तो नहीं हुआ है? देखने से पता नहीं चलता क्या? एक बदनसीब जवान लड़की के भाग्य में जो होता है वही हुआ है। चलो साहब का पास चलो। घबराओ मत बेटी, मैं जो तुम्हारे साथ हूं, आओ। जाओ जाओ, आओ इधर आओ, जाओ बेटी, आओ यहां आओ। ये तुम्हारी डायरी है, इसमें अंगूठा लगाओ। हम तुम्हारे घर खबर भेज रहे हैं, तब तक तुम्हें जेल के अस्पताल में रहना पड़ेगा। डॉक्टरी परीक्षा के बाद तुम्हें जेल कस्टडी में रहना होगा, फिर तुम्हारे घर से तुम्हारे पिता या तुम्हारे पति आकर तुम्हें साथ ले जाएंगे।
अरे क्या बात है, धक्का क्यों दे रही है? आहिस्ता बोल, मेरा छोटा भाई, मेरा भाई अंदर सोया है। जा जा सुन, एक पार्टी है, भद्र पार्टी, इधर नहीं आएगी, होटल में चलना है, चल। अभी नहीं जा सकती। अरे डबल पैसा मिलेगा। अभी कहीं नहीं जा सकती, मेरा भाई मुझसे मिलने आया है। फिर 100 रुपया छोड़ देगी? कहा ना नहीं। अरे तुझे 100 रुपया कभी किसी ने दिया है? नहीं दिया तो नहीं दिया, तेरे पास आई कभी पैसा मांगने को? फिर दादा को जाके बोलो। हाँ जा जा जा, बोल जाके दादा को, क्या कर लेगा तेरा दादा, गला काट देगा क्या? निकल यहाँ से, दादा का बच्चा, धमकी देता है दादा की। तुम्हारे घर से तो कोई आया नहीं और आएगा भी नहीं, तुम अब क्या करोगे? देखो तुम अगर चाहो तो सरकारी आश्रम है होम डिस्टिट्यूट के लिए, वहां तुम्हें भेज सकते हैं, या फिर अपना इंतजाम तुम खुद ही कर सकती हो। मेरा तो कोई ठौर ठिकाना नहीं, आज इधर तो कल उधर, तुम्हें साथ लेकर मैं कहां कहां घूमता फिरूंगा। लेकिन सुनो, मेरा एक जान पहचान का घर है, वो लोग बहुत अच्छे आदमी हैं, वहां तुम्हें किसी भी चीज की तकलीफ नहीं होगी, अगर तुम चाहो तो। बहुत दिनों बाद याद किया है आपने, बड़ी ही कृपा है आपकी। मंगल हो, तुम सब ठीक से हो तो? बस आप ही की कृपा है बाबा। इसी अभागिन के बारे में मैंने तुमसे कहा था, तुम इसे अपने पास रख लो, भगवान तुम्हारा भला करे। आदिम लालसा की शिकार हुई है बेचारी, जैसा कि हमारे समाज में हमेशा से होता आया है, न ही इसके बाप ने न ही इसके पति ने इसे अपने घर पर स्थान दिया। तुम इसे अपने पास रखकर कुछ काम सिखाओ या लिखाओ पढ़ाओ, ताकि अपनी देखभाल ये खुद कर सके। आपकी जो इच्छा है वही होगा बाबा। नंदा, इसे अंदर ले जा, तुम्हारी जैसी बहुत सी अभागिनें हमारे पास आती हैं। जाओ ऊपर जाकर नहा लो, कुछ खा लो, बाद में इत्मीनान से बैठकर बातें करेंगे। क्या हो बेटी? चूबे, साधु के बच्चे, साधु। पहले पुलिस के पास क्यों गया था? मैं पुलिस के पास नहीं जाता तो लफड़ा हो जाता, मुझे तो पहले ही मालूम था कि पुलिस उसके घर खबर भेजेगी और उसके घर वाले उसे वापस लेने से इनकार करेंगे। ये कोई नई बात तो नहीं है, कानून भी रहा और माल भी मिल गया। लाला पैसे ला, कम से कम 1,000। रतन उठ, उठ रतन, तुझे जाना है। रतन देर हो रही है, बाबू बेचैन होंगे। बैलगाड़ी कहाँ मिलेगी? सारा सामान जो ले जाना तो खाली बता दे, मैं जाके ले आऊंगा। नहीं, मैं नहीं जाऊंगी तेरे साथ, तुझे अकेले ही जाना है। फिर मैं भी नहीं जाऊंगा। चपला, वो लाल वाला क्लिप जरा देना। क्या बात है, तू अभी तक तैयार नहीं हुई? सांझ होने वाली है। सांझ होने वाली है, अच्छा तू
कुछ चिर में बाद में लाती हूँ। रतन उठ, तुझे जाना है। बोला ना, तू मेरे साथ नहीं जाएगी तो मैं भी नहीं जाऊंगा। इधर कहाँ रहेगा तू? तेरे पास नहीं, मैं तेरे पास ही रहना चाहता हूँ। दीदी, मैं तुझे छोड़कर नहीं जाऊंगा। नहीं नहीं सुन, नहीं, अरे सुन, नहीं मेरे भाई, नहीं नहीं, नहीं ऐसा नहीं करते। मेरी बात सुन, ये जगह तेरे लिए ठीक नहीं है। देख, दुनिया में तुझसे प्यारा मेरा और कोई नहीं है, फिर भी मैं कहती हूँ ये जगह नहीं ठीक है तेरे लिए। ठीक है, मैं जाता हूँ। अब मैं फिर कभी नहीं आऊंगा। रतन, मैं जानती हूं मेरे भैया, इसके बाद तुमसे मिलने का मौका मुझे फिर कभी नहीं मिलेगा। फिर भी मैं सुन, ये 10 रुपए अपने पास रख ले, इस गली से निकलकर ट्राम रास्ता मिलेगा, उसमें चढ़ के जाना, पैदल मत जाना। अच्छा, तो क्यों नहीं जाएगी दीदी? तू जब बड़ा होगा खुद समझ जाएगा। दीदी, जब मैं बड़ा होऊंगा तब तुझे आके दे जाऊंगा, तब मैं किसी की बात नहीं सुनूंगा।